मेरे फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर सजाया गया है ये दीपावली के मौके पर, और यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंचन होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ देख सकते हैं, लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नज़ारा फ्रेंड्स आपने कभी भी नहीं देखा होगा। आज देख सकते हैं कि पूरा कॉरिडोर जगमग है, बाहर से अंदर से हर जगह से। आइए कॉरिडोर के अंदर चल के दिखाते हैं, यहाँ पे भी कार्यक्रम होने हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम होगा, लेजर शो होगा। बहुत जैसे जैसे, जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा और घाटों की जाएगी। यहाँ पे न्यूज़ वाले भी आ गए हैं देख सकते हैं, GTV। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई काशी देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ का नज़ारा सबसे ज़्यादा कहीं कुछ सजा हुआ है तो ये यही घाट है। तो बिल्कुल चकाचौंध हो जाएंगे फ्रेंड्स ये सजावट देखकर आप सभी। काशी विश्वनाथ धाम में लेकर चलते हैं क्योंकि ये काशी विश्वनाथ धाम का जो तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ऐसी तैयारियां यहाँ की। ये दीपावली का नज़ारा है और यहाँ न्यूज वाले भी घूम रहे हैं। उस पर भी सजाया गया सकते फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर सजावट। तो फ्रेंड्स लगभग 10 लाख फूल से इसे सजाया गया है। तो यहाँ पर GTV वाले आ गए हैं और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कितना भव्य, कितना सुंदर और कितना मनमोहक लग रहा है। आइए सभी नज़ारे आप सभी को दिखाते हैं। तो लाइट यहाँ की बंद कर दी गई है और पूरा नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। लेजर शो भी होना है, लेजर शो भी हम दिखाएंगे। होने हम देख सकते हैं इतना सुंदर और अच्छा नज़ारा सभी ने नहीं देखा होगा।
ये देख सकते हैं देव दीपावली एकदम देव यानी देवता ऐसे होंगे जो ज़मीन पे खींचे चले आएंगे, ऐसा कुछ सजाया गया अपनी काशी को। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये हम श्री काशीनाथ कॉरिडोर के अंदर ये ललिता घाट की तरफ जा रहे हैं हम। देख सकते हैं सब लोग ये सजावट देखकर बिल्कुल पागल हो जाएंगे, और कुछ सजावट तो अभी होने बाकी भी हैं, यानी पूरी तरीके से सजावट नहीं हुई है। ये देख सकते हैं ललिता घाट को भी सजाया गया है, यहाँ पे पूर्ण है, अभी सजने बाकी भी हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से जगमग है श्री काशीनाथ कॉरिडोर। आज कल परसों तीन दिन कुछ ऐसा ही रहेगा यहाँ का नज़ारा। अनबिलीवेबल लग रहा है एक तरह से। और लेजर शो फ्रेंड्स चेसिंग घाट पर होगा। मेरे साथ आप सभी को घूम के कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें। इधर अंदर देख सकते हैं काफ़ी शांति है, साफ सफाई है, ये कार्तिकेय संकुल है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ का भी नज़ारा। 2D एनिमेशन लाइटें भी ऑन हो गई हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये नंदी है। गजब का नज़ारा है फ्रेंड्स। माय गॉड, मैं देख पागल हो जाऊंगा, गजब का नज़ारा फ्रेंड्स। एक फोटो क्लिक कर लूं यहां से बस। आइए ऊपर चल के आप सभी को पूरा नज़ारा दिखाते हैं श्री काशीनाथ कॉरिडोर का। तो बहुत ही ज़्यादा आज के दिन भीड़ है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इतना भीड़।
आज के दिन, कल कितना भीड़ होगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लगभग लाखों करोड़ों कह सकते हैं, देख सकते हैं भीड़ ही भीड़। इतना खूबसूरत सजा दिया गया फ्रेंड्स बाहर से ही कि मन को एकदम से मोह ले रहा है पूरा पर्डोर। अपना काशी अब रंग बदलने वाला हो गया है क्योंकि यहाँ सुबह कुछ और शाम को कुछ और दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं मां धातेश्वर महादेव मंदिर को भी बखूबी सजाया गया है यहाँ पे। हम देख सकते हैं फूल अभी भी सजने बाकी हैं। मंदिर का भी नज़ारा काफी अच्छा होगा। यहाँ पे चेकिंग के बाद उस तरफ जाएंगे लेकिन अंदर शायद नहीं जाएंगे हम क्योंकि अंदर का कई बार मैं दिखा चुका हूँ। तो लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा सब कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे न्यूज वाले आए हैं ANI। मोदी सरकार, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग यहाँ पे जो दर्शन करने आए क्या नाम है आपको? मेरा नाम हरिओम उपाध्याय है। हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए हुए हैं। पहली बार हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे जो है। बड़ा के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह है हम लोगों में, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। मंदिर के दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं और फूलों से सजावट मंदिर को पूरे कॉरिडोर को इतना अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छी तरह सजाया गया है और सजावट अभी कंटिन्यू चल रही है। बहुत अच्छा सजाया गया और तरह तरह के विभिन्न तरह के फूल लगे हुए हैं यहाँ पर, कलर वाले लगे हुए हैं और पुलिस की प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमें दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं हुई। वीडियो में सब लोग चल रहे हैं आराम से बाबा के दर्शन। तो यहाँ आपने देखा कि फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूज़ वाले भी पधारी चुके हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं
देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा छिड़काव हो रहा है। सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से सजा दिया गया है। मोदी आगे ने देखा फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर और अच्छा नज़ारा। इस साइड आप सभी को नेपाली मंदिर देखने को मिलेगा। ऐसे तो लगभग हर समय होता है, लेकिन बाहर की सजावट कुछ काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है, जो कि आप सभी ने देखा होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं वर्क चल रहा है, देख सकते हैं पूरा। तो हमको ले जाएगा नेपाली मंदिर और वहाँ से ललिता घाट होते हुए हम आसानी से नीचे उतर कर जा सकते हैं, क्योंकि उधर से मना ही है। मल्लिकार्जुन भवन है ये, इधर सन्नाटा। पशुपति संकुल, ये हम आ चुके हैं नेपाली मंदिर के पास। देख सकते हैं नज़ारा फ्रेंड्स, तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। आज के अपने बस इतना ही।